सो गाइस, ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 5, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगस्पॉट यूज करके आप आपका खुद का ब्लॉग कैसे बना सकते हो। ब्लॉगस्पॉट में ब्लॉग बनाने के लिए ना तो आपको कोडिंग की जरूरत है, ना डोमेन की जरूरत है, ना होस्टिंग की जरूरत है। तो सारी चीजें फ्री होती हैं। अगर आपको खुद का एक ब्लॉग बनाना है, खुद की एक वेबसाइट का लिंक बनाना है जिसको आप सामने वाले को शेयर कर पाओ, या खुद की एक छोटी सी वेबसाइट बनाना है, तो वो आप ब्लॉगस्पॉट से कैसे बना सकते हो। और ये जो ब्लॉगस्पॉट है, ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो चलो फटाफट देखते हैं बिना कोडिंग के खुद का ब्लॉग बनाते कैसे हैं। So hi guys, this is Siddhant and you're watching SidTalk. So guys, start करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी मैं चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, वो सारी चीजें फ्री है। ना आपको उसके लिए होस्टिंग खरीदना है, ना डोमेन खरीदना है, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। और मैं एक चीज और कन्फेस करना चाहता हूं, मैंने मेरी पहली वेबसाइट, लाइफ की पहली वेबसाइट ब्लॉगर में ही बनाई थी, ब्लॉगस्पॉट पे ही बनाई थी। वो 2010 में बनाई थी। तो मैंने वहां से स्टार्ट करके थोड़ी अर्निंग स्टार्ट करी, उसके बाद फिर मैंने होस्टिंग खरीदा, डोमेन खरीदा। डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया, कमा कमा के इन्वेस्ट किया। तो मैं आपको पहले तो एक बेसिक नॉलेज बताता हूं कि ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। सो गाइस, जो ब्लॉग होता है वो एक वेबसाइट ही होता है। मतलब आपको एक URL मिलेगा, लिंक मिलेगा, जो आप उसको कहीं भी शेयर कर पाओगे ब्लॉग में। बट ब्लॉग में एक चीज़ ख़राब ये है कि आपको हर बार पोस्ट करना पड़ता है। सारी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग पोस्ट बनानी पड़ती है। बट अगर थोड़ा कस्टमाइज आप कर लोगे तो उसके बाद उसको वेबसाइट की तरह दिखा सकते हो। बट यार, घुमा फिरा के रहेगा तो वो ब्लॉग ही। तो अलग अलग पोस्ट बना के आप आपकी जो है पोएम्स लिखोगे, या फिर लिरिक्स लिखोगे, या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दोगे, तो हर चीज़ की आपको हर बार एक पोस्ट बनानी पड़ेगी। और होम पेज पे या मेन्यू बार में वो पोस्ट आपको मिलेंगी। जैसे NDTV की वेबसाइट है, उसमें अलग अलग न्यूज़ की अलग पोस्ट मिलती है। तो ये एक तरह से ब्लॉग होता है जिसमें अलग अलग पोस्टें बनती जाती है और उसमें सारी चीजें होती हैं। और वेबसाइट वो होता है जो आप खुद चाहते हो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाना है या शॉपिंग की वेबसाइट बनाना है। तो ये सारी चीजें भी आप ब्लॉग में बना सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन रहता है। तो अगर वेबसाइट बनाना है तो वर्डप्रेस में भी जा सकते हो, बट फिर वर्डप्रेस में भी कुछ लिमिटेशंस रहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा यही चीजें कर पाओगे वर्डप्रेस में। सो बिल्कुल आपको अगर कस्टम वेबसाइट्स बनाना है, उसके लिए तो फिर आपको बिल्कुल कोडिंग सीखना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, HTML, CSS, JavaScript, PHP। तो आप जैसा सोच रहे हो वैसी वेबसाइट बना पाओगे। बट अगर आप ब्लॉगर यूज करोगे, ब्लॉगस्पॉट यूज करोगे, वर्डप्रेस यूज करोगे, तो इन चीजों में वैसी चीजें नहीं कर पाओगे अगर आपको बिल्कुल कस्टम करना है। बट आप पहली बार कुछ बना रहे हो, पहली बार कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप ब्लॉग बनाओ, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेम चीज मैं बताऊंगा वर्डप्रेस से कैसे करते हैं। तो अभी अपन फोकस करते हैं ब्लॉगर पे। सो गाइस, जो ब्लॉगर है, ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल ही आपको देता है वेबसाइट बनाना। और ब्लॉगर खुद एक वेबसाइट है जिसका फीचर ये है कि आपको और ब्लॉग बना के दिया जाए। तो आप ब्लॉगर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी blogger.com। यहां पे आपको जाना है, यहां पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, और जीमेल की आईडी से ही साइन अप होगा क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको लेके जाएगा जीमेल पे, बोलेगा आपकी मेल आईडी से साइन अप करिए। तो फटाफट मैं मेरी मेल आईडी से साइन अप कर देता हूं। सो गाइस, साइनिंग करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपकी ये प्रोफाइल दिखेगी। मतलब जो भी आप पोस्ट बनाने वाले हैं आपके ब्लॉग में, उसमें जो ऑथर आएगा वो इसका नाम आएगा, जो भी आपने नाम दिया हुआ है जीमेल आईडी पे। बट अगर आप चाहते हो नहीं, मुझे चेंज करना है, तो स्विच टू लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल पे आइए। यहां पे जो नाम लिखेंगे उसी नाम से जो है वो सारी पोस्ट क्रिएट्स होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप का नाम है या और कुछ नाम आपको देना, तो यहां पे आप दे सकते हैं, या फिर चाहें तो जो भी प्रोफाइल उठ के आई है आपकी जीमेल आईडी से वही यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यही यूज कर रहा हूं, और कंटिन्यू टू ब्लॉगर वाली बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगी, जहां पे ये बोलेगा आपने जो जीमेल की प्रोफाइल दी है उसके अंदर कोई भी ब्लॉग अभी आपने नहीं बना के रखे। तो आप चाहें तो मल्टीपल ब्लॉग बना सकते हैं अलग अलग चीजों के अलग अलग। तो यहां पे कुछ नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आएगा बड़ा बड़ा बटन आएगा कि क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो आप इस आईडी के अंदर, इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी के अंदर जितने ब्लॉग चाहें उतने ब्लॉग बना सकते हैं। तो क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो अब वो पूछेगा सबसे पहले टाइटल, उसका एड्रेस और उसकी थीम। तो टाइटल आपको जिस भी चीज का ब्लॉग बना रहे हैं, आप चाह रहे हो कि अमेजोन के एफिलिएट सिस्टम का ब्लॉग बनाना है, आपको पैसा कमाना है, तो अलग अलग प्रोडक्ट के रिव्यू दोगे, तो आप वो चीज बना सकते हो टाइटल में लिख सकते हो। और आपका जो नाम रहेगा ब्लॉग का वो वही रखोगे। तो घुमा फिरा के लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ब्लॉग बना देते हैं, उसको रैंक कराते हैं गूगल पे, उसके बाद उसमें जो है एडसेंस का अप्रूवल लेके एड्स लगा के पैसा कमाते हैं जब ट्रैफिक आता है। तो एक तरह से आपकी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पोएम लिखते हो तो वो दे सकते हो, म्यूजिकल इंडस्ट्री आपकी तो वो कर सकते हो, या फिर आप अगर वॉलपेपर्स बनाते हो या फिर कोई डिजाइन करते हो उसका ब्लॉग बना सकते हो। तो जो चाहो आप उसका नाम देके ब्लॉग बना के इसको नेक्स्ट कर सकते हो। तो यहां पे सिंपल दिखाने के लिए मैं सिडटॉक ही नाम दे देता हूं यहां पे टाइटल में, और उसके बाद यहां पे एड्रेस जो है वो आपका नाम आएगा। जैसे हमने सबसे पहले वीडियो में सीखा था .com होता है, .in होता है, ऐसे जो भी आप यहां पे नाम देंगे आपको एक पर्टिकुलर डोमेन असाइन किया जाएगा, वो भी फ्री में। तो जैसे अगर मैं यहां पे सिडटॉक लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली .blogspot.com
कॉम मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये ब्लॉग अवेलेबल नहीं है, मतलब ये ब्लॉग किसी और ने रजिस्टर करा के रखा है। सो गाइस ऐसा कुछ ब्लॉग बना हुआ है अभी इस नाम से, तो ये नाम मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हो मैंने सिर्फ सिटटॉक दिया, उसके पीछे ये blogspot.com कहां से आ गया, तो एक्चुअली क्या होता है .com अगर आपको कराना है तो आपको तो पैसा देना ही है जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, बट ये क्या करते हैं blogspot.com के अंदर एक सब डोमेन बना के देते हैं। आपको लगेगा एक लिंक ही, लेकिन थोड़ा लिंक लेंथी हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है इस लिंक की कि ये फ्री है, होस्टिंग भी फ्री है, ये डोमेन जो आपको अलॉट हो रहा है वो भी फ्री है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये बहुत पहले से चल रही है, सारी चीजें फ्री है तो कोई कुछ भी नाम ले सकता है, तो बार बार आपको देखना पड़ेगा कि अवेलेबल क्या है, क्योंकि जीमेल की जब हम आईडी बनाते हैं तब हमको देखना पड़ता है कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। उसी तरह ये ब्लॉग के भी नाम हमको देखने पड़ेंगे, अगर इसके आगे मैं वन लगाता हूं तो क्या वो अवेलेबल है, तो ये बोल रहा है कि ये अवेलेबल है। तो अभी हाल फिलहाल अपन यही ब्लॉग का नाम डिसाइड कर लेते हैं, बाद में चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डॉट कॉम पे, मतलब ब्लॉग स्पॉट हटा सकते हैं, बट उन सब चीजों के लिए आपको देना पड़ेगा पैसा। अभी ये सारी चीजें फ्री है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा एक बार खुद का ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम में ही ब्लॉग बनाएं, चीजें समझें, उसके बाद धीरे धीरे इससे अर्निंग हो। अगर आप एड लगाते हैं, ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पर, लोग आपकी विजिट करते हैं वेबसाइट या ये ब्लॉग, तो आपको पैसा आएगा, फिर उससे आप इन्वेस्ट करें आपके डोमेन में, होस्टिंग में, और फिर वेबसाइट बनाएं। तो ये करने के बाद, नाम देने के बाद ये अवेलेबल आ गया है, आपको बार बार रिट्राई करना पड़ेगा जब तक वो बोलेगा नहीं कि अवेलेबल है। उसके बाद आपको नीचे जाके इसमें थीम आ रही है, तो कुछ थीम्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो बाद में थीम चेंज हो जाती है, गूगल पे और सर्च करेंगे तो वो भी चीजें देखते हैं कि थीम कैसे चेंज होती है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जितनी दिख रही है उसमें जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अपन ये वाली सिलेक्ट करते हैं सिंपल वाली, और इसको क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करा तो अब ये जो ब्लॉग है वो इस एड्रेस को असाइन हो जाएगा, आपको ये एड्रेस नहीं ले पाएगा वापस से। यहाँ पे ये कुछ एरर आया है, बाकी ये बोल रहा है कि बैक पे आप क्लिक करें, तो मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए योर ब्लॉग्स में मेरा एक ब्लॉग आने लगा, तो मतलब इस पर्टिकुलर आईडी में एक मेरा ब्लॉग बन गया है। चाहे तो मल्टीपल ब्लॉग अलग अलग नाम से बना सकते हैं, अलग अलग आपको लिंक असाइन हो जाएगा, बट शर्त यह है .blogspot.com ही मिलेगा फ्री में, अगर चाहे पैसा देके तो वो चेंज करा सकते हैं। तो योर ब्लॉग में यहाँ पे लिस्ट आने लगेगी जितने आप ब्लॉग बनाएंगे, तो मैंने अभी सिटटॉक बनाया तो इस पर मैंने क्लिक करा, तो अब इस पर्टिकुलर ब्लॉग की क्या क्या सेटिंग मैं कर सकता हूं वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। अभी ये बोल रहा है कि फाइंड अ डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग एंड कनेक्टेड इंस्टेंटली, तो ये बोल रहा है सर्च करके आप देख सकते हैं, अगर कोई डोमेन नेम अगर मिल रहा हो आपको तो आप उसको ले सकते हैं पे करके। सो आजकल गूगल खुद डोमेन बेचने लगा है, तो ये बोल रहा है कि आप देख लो इतने रुपए में हम आपको .me करा देंगे, .center करा देंगे, तो बस आपको डोमेन का पैसा देना है, होस्टिंग इनके पास ही होस्टेड रहेगी, लेकिन वो भी अच्छी बात नहीं है, हम ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, तो हम अगर पैसा बिगाड़ ही रहे हैं डोमेन में तो फिर हम होस्टिंग भी खरीदेंगे। तो अभी हमको ये कुछ नहीं करना है, हमें जो अभी मिला हुआ है हम उसी को यूज करेंगे। सो गाइस मेरा ब्लॉग बन गया है, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मुझे sidtalk1.blogspot.in पे लेके आएगा, और देखिए इस लिंक में जो ऑथर आ रहा है, अबाउट मी आ रहा है, वो मेरा नाम आ रहा है, और ये चेंज करने का ऑप्शन हमें मिला था सबसे पहले। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डिजाइन भी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, तो धीरे धीरे सारी चीजें करनी पड़ेगी, पोस्ट करनी पड़ेगी, डिजाइन देखनी पड़ेगी कहां पे क्या दिखेगा, उसके हिसाब से वेबसाइट या ब्लॉग बोल सकते हो और अच्छा होते जाएगा। तो अपन सबसे पहले जाते हैं न्यू पोस्ट पे, तो हम एक नई पोस्ट बनाएंगे। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लॉग और वेबसाइट में यही अंतर है, ब्लॉग में हमको हर बार पोस्ट बना बना के चीजें बतानी पड़ती है, लेकिन अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो फिर हम चाहें तो उसमें जैसा कस्टमाइजेशन करना चाहें कर सकते हैं। यहां पे हर बार आपको पोस्ट बनानी पड़ेगी, पोस्ट का टाइटल देना पड़ेगा, उसके नीचे आप जो चाहो लंबा चौड़ा लिख सकते हो, फोटो लगा सकते हो, लिंक लगा सकते हो, यूट्यूब का वीडियो एम्बेड कर सकते हो, तो जो चाहो वो कर सकते हो। तो चलो फटाफट ये मैं लिख लेता हूं। सो गाइस इस तरीके से आप एक टाइटल दे सकते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, और ये वीडियो मैंने यहीं से इम्बाइट किया है यूट्यूब से, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। चाहो तो आप लिंक भी दे सकते हो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, तो ईमेल आईडी पे, तो बहुत सारी सेटिंग आती है। यहाँ पे जैसे अपन मेल बनाते हैं, मेल लिखते हैं, वहाँ पे भी सेटिंग आती है, उस तरीके से आप एक ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉग का पोस्ट लिख सकते हो। ये सब करने के बाद आपको करना है पब्लिश। अभी आप पब्लिश करोगे तो ये चीज़ जो है वो पोस्ट हो गई। अभी ये बोल रहा है आप शेयर करना चाहो तो गूगल प्लस पे भी कर सकते हो, मुझे नहीं करना है तो मैं इसको अभी कैंसिल कर दूंगा। अब ये पर्टिकुलर एक पोस्ट जो है वो मेरे ब्लॉग पे आ गया है, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे एक पोस्ट आ गई है। तो देखिए यहां पे जैसा जैसा मैंने लिखा था वैसा आ गया, YouTube का वीडियो भी एम्बेड हो गया है, इसके अंदर ही मेरा वीडियो चल रहा है। अब इसकी सेटिंग होती है बहुत सारी कि हेडर में क्या क्या दिखाना है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या क्या करना है, थीम कैसे चेंज करना है, तो ऐसे करके आपको बार बार पोस्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से नई नई पोस्ट आप बना पाओगे। उसके बाद और भी सेटिंग्स हैं, चलिए अब अपन सेटिंग्स देखते हैं। तो अगर अपन सेटिंग्स में जाते हैं तो बेसिक सेटिंग में ये बताता है आपका टाइटल जो हमने सबसे पहले दिया था वो आ गया है, चाहे तो यहां से हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल देखिए इसके ऊपर होवर करते हैं, ब्लॉक के ऊपर आता है सबसे ऊपर,
उसके बगल में एक फेविकॉन आइकन आता है, ये आइकन हर वेबसाइट के लिए रहता है, यूट्यूब के लिए यूट्यूब का है, ब्लॉगर के लिए भी ब्लॉगर का रहा है। आप चाहो तो आपका लोगो अगर हो तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो आप चाहो तो रातों रात ये जो नाम है आपको अलॉट हुआ है वो चेंज कर सकते हो। जैसे ईमेल में तो हम हमारी ईमेल आईडी का नाम चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आगे का चेंज होगा, पीछे की शर्त तो यही है कि पीछे blogspot.com रहेगा ही रहेगा। तो ये चीजें कर सकते हो, https में चलाना है नहीं चलाना है। यहाँ पे आप देखिए ऑथर अलग अलग बना सकते हो, एक SidTalk है तो आपने 5-6 लोग हैं अगर आप, तो अलग अलग नाम से ऑथर बना दो, तो जो भी वो पोस्ट करेगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये जो पोस्ट है ये पर्टिकुलर इस ऑथर ने करी है, पोस्टेड बाय और टाइम। तो ये यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ये आप अलग अलग ऑथर के थ्रू पोस्ट करवा सकते हो। तो ये बेसिक सेटिंग हो गई। अब पोस्ट और कमेंट्स में जाएंगे हम, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि फ्रंट पेज पे कितनी पोस्ट आने चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। सो गाइस इस तरीके से आप अलग अलग टाइम जोन सेट कर सकते हो। ब्लॉग डिलीट करना है तो वो भी हो जाएगा चाहो तो, डिलीट ब्लॉग करोगे तो ये पर्टिकुलर ब्लॉग डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आ गई सेटिंग में। सो गाइस बहुत सारी सेटिंग है, आप एक एक करके सारी सेटिंग समझेंगे तो आपको समझ आएगा कैसी चीजें काम करती हैं। अब अपन चलते हैं थीम पे। सो अब देखिए जब हमने ये ब्लॉग बनाया था तब उसने बोला था कि आप थीम जो है वो हमको बता दो ताकि उसी थीम पे हम आपकी वेबसाइट दिखाएं, ये ब्लॉग दिखाएं। तो अभी ये पर्टिकुलर थीम आ रही है, अपन चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं वापस से नीचे अगर इन्हीं की बाय डिफॉल्ट वाली थीम्स लेना है। सो गाइस ये जो थीम आ रही है इसमें से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट उस थीम पे कैसी दिखेगी वो यहां पे बता दिया जाएगा। आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई टू ब्लॉग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब ये वाली थीम अप्लाइड हो गई है। तो अगर अब आपके ब्लॉग पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए उसका कलर चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई। तो चाहे तो यहाँ पे थीम दी गई है ये सब यूज कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज का, तो यहाँ पे भी आने के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग थीम्स आएंगी, आपको जो अच्छी लगे आप एक एक करके अप्लाई कर करके देख लें आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी उन थीम में। अगर आपको ये अच्छी लगे थीम तो आप उसको देख के फिर उसको यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे नहीं यहाँ पे जो लिस्टेड थीम है मुझे ये सब यूज नहीं करना है, मुझे और अच्छी थीम्स यूज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा और यहाँ पे एडिट HTML करके एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे डलता है पूरा XML। अब यहाँ पे आपकी पूरी थीम जो है वो आप लगा सकते हो। अब यहाँ ये कैसे करोगे इसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए कोडिंग। तो अगर आप गूगल करते हो ब्लॉगर थीम्स तो यहाँ पे बहुत सारी आपको थीम्स मिलेंगी, अगर वहां से आपको अच्छी नहीं लग रही है तो ये कुछ लोगों ने बनाई हुई है, अगर आपको ये डिजाइंस अच्छी लगती हैं तो आप इन पे क्लिक करो तो ये इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी, ब्लॉग दिखेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे पूरा एक डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहीं पे वो चीज़ अपलोड करना है। सो गाइस यहाँ पे ये जो कोड आ रहा है ये आपकी पर्टिकुलर थीम का है, लेकिन अगर आपने यहाँ से अगर डाउनलोड करी है कोई थीम तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऊपर backup/restore, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा भाई मेरे को फाइल बताओ, वो जो फाइल आपने डाउनलोड करी है वो फाइल यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी अपलोड। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सारी फाइल्स हो जाएंगी एक्सट्रैक्ट, लेकिन आपको जो यहाँ पे अपलोड करना है वो .xml डॉक्यूमेंट करना है, XML ही करना है, बाकी तो इनके प्रमोशन के लिए चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसके अंदर है वो पूरा कोड आपकी थीम का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इसको करोगे आप अपलोड तो अब ये पर्टिकुलर थीम जो है वो आपकी अपलोड हो जाएगी आपके ब्लॉग में। और ये जो थीम है हम ये थर्ड पार्टी बाहर से लेके आए हैं, ब्लॉगर के अंदर जो डिफॉल्ट थीम आती है वो ये नहीं है। तो अभी अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई है, तो देखिए वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी, थोड़ी आपकी वेबसाइट की डिजाइन चेंज हो गई है। तो अगर अपन वापस चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अपनी वेबसाइट कैसी दिखेगी वो देख लेते हैं। तो इस तरह की सी एक वेबसाइट दिखेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी थीम आपके लिए अच्छी है। इसका जो होम पेज है वो देखिए इस तरह का है, जो कि एक वेबसाइट हो गई है जो अपार्टमेंट सेल्स कर रही है या सर्च कर रही है। तो ये सारी चीजें देखिए, इसकी पूरी डिजाइन ही चेंज हो गई है। तो ये आपको अलग अलग थीम्स देखनी पड़ेंगी, वहां पे जाके आपको जो थीम अच्छी लगेगी वो थीम आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको करना पड़ेगा कस्टमाइज। तो जैसे ये थीम अपन ने यहां से डाउनलोड कर ली, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर ली, तो वेबसाइट कुछ इस तरह से लग रही है। अब ये लग नहीं रहा कि यार ये ब्लॉगर में बना हुआ है, अगर ये डोमेन भी मैं चेंज कर लूं .com कर लूं तो ये लगेगा यार ये मैंने डिजाइन करी है वेबसाइट। बट अगर आप इसको व्यू सोर्स पे जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये blogger.com पे ही बनी है। सो गाइस ये तरीका यूज करके आप थीम अपलोड कर सकते हैं अलग अलग टाइप से बाहर, गूगल सर्च कर करके जो थीम अच्छी लगे वो अपलोड कर ले, या फिर यहां पे आपको अच्छी लग रही तो वो कर ले। तो यहां से हो जाएगी थीम अपलोड। अब आप बोलोगे थीम तो अपलोड हो गई यार, इसको कस्टमाइज कैसे करेगी, यहां पे लोगो आ रहा है, यहां पे ये चीज आ रही है, मुझे मेरी चीजें लिखना है, तो वो जाना पड़ेगा आपको लेआउट्स पे। तो आप लेआउट्स पे जाओगे तो आपके पूरे ब्लॉग का लेआउट आ जाएगा कि कहां पे क्या चीज आने वाली है। तो देखिए यहां पे पूरा सेक्शन बताएगा, फेविकॉन आइकन जो यहां पे ब्लॉगर का दिख रहा है वो आप चेंज कर सकते हो एडिट पे क्लिक करके, जो भी आपको फोटो लगाना हो आइकन लगाना हो यहां पे आप अपलोड करेंगे, उसके बाद वो आइकन अपलोड हो जाएगा, यहां पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह के अगर ये जो लोगो टाइटल आ रहा है ये आपको चेंज करना है तो यहां पे एडिट पे जाना, तो ये आपका हेडर है तो यहां पे इनका लोगो आ रहा है, आप चाहो तो आपका लोगो लगा सकते हो, रिमूव पे क्लिक करके यहां पे आप अपलोड कर सकते हो, ये लिंक दे सकते हो। सो यहां पे जो चाहे वो लोगो लगा सकते हैं, अपन ये लोगो लगा देते हैं, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अगर अब वेबसाइट विजिट करी जाए, ब्लॉग विजिट करा जाए तो यहां पे ये लोगो आ रहा है,
है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी चेंज। इसमें फिर लेआउट में और नीचे जाएंगे तो मेन मेन्यू आ रहा है, उसमें एडिट करना पड़ेगा। तो पूरा एक लेआउट आ गया है कहाँ पे क्या चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पेजेस आ रहे थे अपने पास, यहाँ पे देखिए ये लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पेजेस के, होम, फीचर, SEO सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड दिस टेम्पलेट। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे मेन मेन्यू में से। तो ये थीम का ऑप्शन है, अलग अलग थीम्स की अलग अलग चीज़ें रहेंगी। तो देखिए अगर इसको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे एरो दिए हुए हैं, इनके एरो पे क्लिक कर करके मैं डाउनलोड दिस टेम्पलेट को सबसे आगे लेके जाता हूँ। तो ये सबसे आगे चला जाएगा, उसके बाद तो ये जो डाउनलोड दिस टेम्पलेट है एरो पे क्लिक कर करके सबसे आगे ले आए। चाहे तो इसको एडिट करके नाम भी चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड दिस टेम्पलेट की जगह और कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे, जो लिंक देंगे, वो उस पर चला जाएगा बंदा। तो यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये सबसे आगे आ गया। इस तरीके से आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और पेजेस, तो जो चाहे यहाँ पे इस हिसाब से कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो अब ये चीज़ हो गई इसमें मेन्यू में सेव। अब यहाँ पे आके अपन देखेंगे तो देखना ये जो लास्ट में आ रहा है ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि मैंने अभी इसका मेन्यू करा है चेंज। तो देखिए डाउनलोड दिस टेम्पलेट सबसे आगे आ गया है पीछे। तो ऐसे कर करके आपको सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आराम से बैठना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एडिट कैसे होता है। साइड बार में जो चीज़ें आ रही हैं इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, हटाना चाहो तो एडिट कर करके हटा सकते हो। तो लेआउट के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट का हर चीज़ का लेआउट, फूटर में क्या चीज़ आने वाली है, हेडर में क्या आने वाला है, पोस्ट कैसी दिखने वाली है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। और ये हर थीम का अलग अलग रहेगा, जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे उसके हिसाब से ये चीज़ें बनती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो जो भी आप करोगे उसके बाद इसको आप सेव अरेंजमेंट कर दोगे तो सारी चीज़ें सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो थीम चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर और समझना है और जानना है तो आप गूगल करिएगा तो सारे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ब्लॉगर के अंदर कि ब्लॉगर की चीज़ें कैसे कस्टमाइज़ करी जाए। और ये जो सीरीज़ का मेन मोटिव यही है कि आपको सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझा दी जाए। तो थीम सेटिंग हमने लेआउट देख लिया, पेजेस में हम अलग अलग पेजेस बना सकते हैं। तो चाहे तो हम इसमें नए पेजेस पब्लिश कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो पोस्ट और पेज दोनों चीज अलग होती है। पेज हम बनाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी का, अबाउट मी का, इन सब चीजों का। पोस्ट होती है उस वेबसाइट, उस ब्लॉग के अंदर कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। उसके बाद अगर आप अर्निंग पे आओगे तो जैसे हम यूट्यूब के अंदर जो है वो हमारे वीडियो के अंदर एडसेंस लगा देते हैं, गूगल एडसेंस का एक प्रोग्राम होता है जो एड्स दिखाता है, तो वो एक वेबसाइट के लिए भी होता है। तो वेबसाइट से भी आप अर्न कर सकते हो, यूट्यूब से भी अर्न कर सकते हो। यूट्यूब के वीडियो के अंदर आपके एड्स आएंगे, यहाँ पे वेबसाइट में आप अलग अलग एड लगा पाओगे। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा अप्लाई। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है योर ब्लॉग डजंट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस। तो ये क्वालिफाई कैसे होता है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो ये सब पढ़ने के बाद एक बार आप ज्यादा पोस्ट करने लगेंगे, आपके ब्लॉग को अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके थ्रू आप जो है वो गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव करवा सकते हो आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे। तो ब्लॉग के अंदर जहां जहां आपको जगह मिल रही है वहां पे आप एड लगा सकते हो। अब ये तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट बन गई, अगर हम इसकी थीम वापस से ब्लॉग वाली कर दें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है इस वेबसाइट के अंदर वैसी ही चीजें दिखने लगेंगी और वहां पे आप एड लगा सकते हो, फिर उसको जो है SEO करके रैंक करा सकते हो गूगल पे। तो वहां से आएगा आपका ट्रैफिक, लोग वेबसाइट विजिट करेंगे, ऐड दिखेंगे, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग से आप पैसा कमा सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कोई, जैसे हमने एक पोस्ट यहां पे पोस्ट करा है तो इस पोस्ट के अंदर कोई अगर कमेंट करता है नीचे कोई चीजें तो वो भी सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं। यहां पे कमेंटिंग का ऑप्शन है तो वो सारी चीजें हम कमेंट में देख पाएंगे। तो पब्लिश कमेंट, स्पैम कमेंट, ये सब आएंगे। तो जैसे अगर यहां पे कुछ अपन ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं, हेलो करके कमेंट पब्लिश, तो यहां पे ये कमेंट हो गया है पब्लिश, तो योर कमेंट हैज बीन पब्लिश। यहां पे देखिए कमेंट आने लगा, ऑथर हूं मैं इसलिए मेरे नाम के आगे ऑथर आ रहा है। अगर आप बिना साइन इन करे जाएंगे तो आपको अलग दिखेगा। यहां पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहां पे कमेंट की लिस्ट आने लगेगी। तो भाई पर्टिकुलर इस इंसान ने यहां पे हेलो कमेंट करा, चाहो तो डिलीट कर दो, स्पैम कर दो, हटा दो। तो ये सारी चीजें भी यहां पे आप देख सकते हैं। स्टैट्स पे जाएंगे तो यहां पे ये बताएगा आपके पेज व्यू कितने हुए हैं, कितने लोगों ने लास्ट मंथ विजिट करा है, तो सारी चीजें कहां कहां से कंट्री से विजिट करा है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स से आती है। ऑटोमेटिकली इन लोगों ने गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो ऐड कर दिया होगा इसके अंदर, की वजह से ये ट्रैफिक सोर्स निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरा ब्लॉग मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। अब आप एक ब्लॉग स्टार्ट करें, बनाएं और उसके बाद गूगल करें कि भाई इसका नाम कैसे चेंज होता है, इसकी डिजाइन कैसे चेंज होती है, यहां पे ये मुझे करना है तो वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, लोगो कैसे बनेगा, ये पेजेस कैसे बनेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए आप गूगल कर सकते हैं। सारी चीजें आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं अच्छे अच्छे जिन लोगों ने आपको हिंदी में समझाया है कैसे पूरा ये ब्लॉगर बनाते हैं, कैसे इसको पूरा डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। और अच्छी बात है सारी चीजें फ्री है। अब इसमें एक चीज खराब बात मैं आपको ये बताता हूं, ये सारी चीजें होस्टेड है इन्हीं के सर्वर पे, ब्लॉगर पे। अगर कुछ होता है तो रातों रात आपकी जो वेबसाइट है वो जा सकती है। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं कोडिंग चली जाएगी, सारी चीजें चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग जो है वो गूगल की ही है, ब्लॉगर की ही है। तो स्टार्टिंग लेवल पे आप ये चीज कर सकते हो, स्टार्टिंग के लिए आप ये ब्लॉगर पे जा सकते हो, ब्लॉग स्पॉट पे बना सकते हो वेबसाइट। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसके लिए आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, आपकी खुद की होस्टिंग ले सकते हो ताकि वो सारी चीजें आपके पास रहे, कोड आपके पास रहे, ये सारा कोड इन्हीं के अंदर है। तो आपको ना होस्टिंग लेना है ना डोमेन लेना है, आपका ब्लॉग बन गया। आप अच्छे अच्छे
टेम्पलेट सर्च करो, गूगल करो, अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी, वो टेम्पलेट इंस्टॉल करो, उसको कस्टमाइज करो, आपकी अच्छी खासी वेबसाइट बना पाओगे और सारी चीज़ें फ्री है, टाइम इन्वेस्ट होगा आपका, अगर आप फ्री बैठे हो तो ये चीज़ें कर सकते हो, आपका खुद की वेबसाइट फ्री में बना सकते हो। सो गाइस इस तरीके से आप जो है एक बेसिक ब्लॉग बना सकते हो, लेकिन अगर आपको और कस्टमाइज करना है चीज़ें और आगे का नाम हटाना है, डॉट ब्लॉग स्पॉट हटाना है, तो या तो आप इसी में डोमेन खरीद लो और इसी की डिज़ाइन, इसी की होस्टिंग यूज़ करके आपका जो है डोमेन का नाम चेंज कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे और अच्छी तरीके से वेबसाइट बनाना है, तो अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसके लिए होस्टिंग की जरूरत है और थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज जरूरी है। तो अब आने वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि भाई वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है ब्लॉगस्पॉट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी तरह ट्रस्टेड और ऑसम वीडियोस के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।